हेलो एवरीवन, माँ का घर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाल गोपाल जी की ये कैप लेकर आई हूँ। पहली वीडियो में मैंने ये दो कलर की ड्रेस बनाना सिखाई थी, इस वीडियो में मैं बाल गोपाल जी की कैप बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैं ग्रीन कलर की ऊन से बनाना शुरू करूँगी। ये एक नोट बनाकर हम क्रोशिया हुक में डाल लेंगे। ये मैंने तीन चेन डाल ली है और सबसे पहली वाली चेन में इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास छोटा सा एक सर्कल बन जाएगा। अब फिर दो चेन डाल लेंगे और डबल उसी होल में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने बार बार उसी होल में से डबल क्रोशिया बनाना है। होल में से धागा लेंगे, तीन के दो करेंगे, दो का एक करेंगे। इस तरह से हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, ये एक गोल राउंड में बन जाएगा। हम इसमें से 20 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 20 बार हमने एक ही होल में से काम करना है। ये 5-6 नंबर के बाल गोपाल को आराम से आ जाएगी। ये देखिए, अब हम जहाँ से शुरू स्टार्टिंग की थी वहाँ की चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये हमारे 20 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको एक गोल शेप में बना लिया। अब हम फिर से दो चेन बनाएंगे और अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने हर एक चेन में से आप फिर दोबारा से डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। ये इस तरह से हमारी ये कैप की शेप बनने लग जाएगी। लास्ट वाले में फिर से डाल लेंगे एक बार डबल क्रोशिया और ये यहाँ पर ऊपर की तरफ चैन में यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने अटैच करना है ताकि हमारा गोल राउंड अच्छे से कंप्लीट हो। ये इस तरह से हमारे ये कैप की शेप बन गई। इसके बाद फिर से दो चेन डाल लेंगे और हर एक चेन में से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा अब तीसरा राउंड है। हम तीसरे राउंड पर आ गए हैं।
तीसरे राउंड में भी हम इस तरह से काम करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। चौथे राउंड में फिर से 2 चेन डाल लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने इसमें 3 राउंड में सेम ही काम करना है। ये देखिए इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी इस तरह से कैप की शेप बन रही है। हम लास्ट में इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब 5वें राउंड में पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे। दो चेन बनाएंगे। जिस चेन में हमने डबल चेन बनाई है उसी में ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस अटैच किए हुए धागे को बीच में ही रख लेंगे। अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसमें ही हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने एक चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमारे ये 20 बार डिजाइन था जो अब की बार 40 हो जाएंगे। हम नीचे 20 बार डबल क्रोशिया बनाया था, अब इन सब के डबल करने हैं। एक एक में दो दो बार बनाएंगे। इससे हमारी कैप की ये हैट वाली शेप आ जाएगी। इस तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसको यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से ग्रीन कलर के धागे से काम करेंगे। इसमें हमने हर एक चेन में से लेकर बिना धागा लिए हर एक चेन में से 2 का एक करना है। यहाँ पर हमारे हैट के चारों तरफ ये किनारी बन जाएगी जो बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए ये हमारा पूरा राउंड
कंप्लीट हो गया और इसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर कर अटैच करेंगे। अब हम इसको ग्रीन धागे को भी कट कर देंगे। अब इन धागों को हम क्रोशिए की सहायता से अंदर कर देंगे। जो थोड़े एक्स्ट्रा बचे हुए धागे हैं उन्हें कट कर देंगे। बाल गोपाल जी का ये हैट बनकर तैयार है, हैट वाली कैप बनकर तैयार है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो माँ का घर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।